सोचे हमने कि तीन तरह के रेणुआ कैसे कैसे हुए। देखो भैया, एक तो हो रेणुआ, रेणुआ कैसे हो ताकि बहू मर जाए, वो हो रेणुआ, ठीक है। और जाको पहना हुआ हो वो हो बटन रेणुआ, बटन रेणुआ। अब मैं कौन है बताऊ, जैसे मैं ही हूँ बटन रेणुआ, मेरा पहना है मेरा। और ना तारे ये ब्याह हम लोगों कारो का लूटा वह का लूटा है, ये सारा माखन चोरी कर करके यार अपना नाम बदनाम कर रहा है तो ठीक है, और बाल मंडल को नाम बदनाम कर रहा है। जैसे मेरा भैया है ना ये थारो का टाड़ी वालों या को भी ब्याह वाला भाई होगा उनका ब्याह है वो, ये सारा बटन टाड़ी वाला है। हाँ मोटा भाल बताइए, बटन टाड़ी वाला है। और मैं तो चार चार पांच पांच बालक है मेरे से बटन टाड़ी वाला है, मोटा भाल बताइए ये बटन टाड़ी वाला। अब पता कन्हैया देख, और तीसरा कौन सा होए, तीसरा रेणुआ बताऊं तो मैं कौन सा होए, कौन सा होए भैया, जाके बहू छोड़ के भग जाए तीसरा रेणुआ होए। हाँ वो हो रणूस, रणूस जाके बहू छोड़ के भग जाए, बात कहे रणूस है रणूस। अगर सामने से मिल जाए तो रणूस आ रहा भाई हट जाओ, क्यों जाके बहू छोड़ के भग गई है। तो हमें तो कहते तो कोई इतना जाके बहू छोड़ के भगी हो, बहू तो सबकी तेरी ना, सारे झूठ के बोल रहा है वैसे कह रहा। हाँ है, अच्छा जो बता, अगर हम सखी के घर में गए और काओ ने पकड़ लिए तो कहा होगा और कितनी मार पड़ेगी, सारे माखन सब निकल जाएगा। और अभी तो अगर तू खाओ ना पियो पैसे बातें बनवा रहा है, भूख तो लग रही है, नाच लिए हार गए और सारे माखन तो कुंभ लौटना है। कहाँ है माखन वो तो पता है, कहाँ है ऊपर टंगा है। अच्छा जी, मेरी तो जीव लपर का लह रही है पहले से देख के, पर जो देख रहे परोगे में कहा का है ना, तो कैसे आवेगो ये माखन, घोड़ा बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा सारे जन्म लियो आदमी को बना रहे घोड़ा, वाह अम्मा कैसी हंस रही है, वो तत्व बन लो है मां ने दांत दे पर तमार मत मार, तमार तमार मत तमार मां दांत दे पर। मोटा सा मुखड़ाई भैया, अरे काम करो भाई, भाई कन्हैया का सहयोग तो करना ही है, क्योंकि जो कन्हैया हमें लाया और बाल मंडी बना रखी है बाने, तो भाई घोड़ा तो बनना ही पड़ेगा। ये भैया बनेगा ना बनेगा, भैया हम तो बनेंगे नहीं भाई, हाँ तो तू तो खैर घोड़ा बना बना आया पहले एक दिन गए श्याम गोपी के घर में, एक दिन गए श्याम गोपी के घर में, एक दिन गए श्याम गोपी के घर में, चोरी कर पकड़ गए चोरी के घर में, चोरी कर पकड़ गए चोरी के गोपी से कह रहे मन में डरा रहे, गोपी से कह रहे मन में डरा रहे, क्या बोली अब ना चुराऊं सखी तेरो दही, अब ना चुराऊं सखी तेरो दही, अब ना चुराऊं सखी तेरो दही, भैया
I'm gonna
जी का दर्शन आप सभी करेंगे जहाँ पर 56 भोग लगाया जाएगा। और जब भी गिरिराज जी का दर्शन होता है 56 भोग लगता है तो प्रसाद में कढ़ी चावल का महत्व होता है, कढ़ी चावल का महत्व होता है। तो आप सभी का अनुसरण करके आप सभी अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो क्योंकि माई प्रभु ने जब जन्म लिया तब उन्होंने जन्म इसलिए लिया था कि इस पृथ्वी पर जो असुर, मैंने आप सभी को कहा था कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमान।